जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 9% पर एनम इज ₹405 द सम इज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है कितना 405 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो 9% दे रखी है, तो वो पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको ओरली हैंडल करना है तो कुछ नहीं करना, ये 405 इनटू में 10,000 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 देगा अपॉन में 9981, तो इसको उससे काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 50,000 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में होगा वो ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए अब इसको जरा देखते हैं कि क्वेश्चन हुआ कैसे। अगर मैं इसे फॉर्मूले से करूं तो डिफरेंस इज इक्वल टू में प्रिंसिपल आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है मेरे पास में, ये 2 ईयर के लिए होता है। और अगर 3 ईयर के लिए बात करूं तो डिफरेंस इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का मैं क्यूब करूंगा क्योंकि मेरे को 3 ईयर का निकालना, इनटू में 300 प्लस का आर निकालूंगा, ये मेरे पास 3 ईयर का आएगा। तो हम इससे भी सोल्व करेंगे और सक्सेसिव रेट से भी सोल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले से नहीं करना, तो चलिए देखते हैं जरा एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो डिफरेंस कितना दे रखा है आपका 405 मुझे दे रखा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 9 दे रखी है तो 9 का स्क्वायर करूंगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा आपका 10,000 आ जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 9981 यानी कि 405 इनटू में 10,000 अपॉन में 81 इस इक्वल टू में प्रिंसिपल आएगा, तो इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 50,000 रुपीस क्या आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। चलिए अगर आप इसे इस तरह से नहीं कर सकते, करना चाहते तो आप सक्सेसिव रेट से कर सकते हैं। सक्सेसिव रेट क्या कहता है, ये कितने साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 2 साल का, तो पहले आप ले लीजिए फर्स्ट ईयर प्लस का सेकंड ईयर प्लस का फर्स्ट ईयर इनटू में सेकंड ईयर अपॉन में 100 करेंगे तो आपका सक्सेस रेट आ जाएगा। यानी कि 9% यहाँ रखेंगे, 9% यहाँ रखेंगे, 9 और 9 यहाँ रखेंगे तो ये मेरे पास में 18 प्लस का क्या आएगा 81%, ये मेरे पास में क्या जाएगा इसका सक्सेस रेट आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 ईयर का, और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास में 0.81 आपका परसेंट आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा तो इसे खोल सकता हूं, तो ये सॉरी ये कितना आएगा आपका 81 81 इसको काटा तो 81 बाय में कितना हो जाएगा आपका ये 10,000 हो जाएगा आपका, बट ये होना चाहिए कितना 405, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी ये वाली वैल्यू बन जाए मेरी, तो इसको मुझे 50,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।